सब्सक्राइब करें चर्चिकला टाइम टीवी को और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए प्रेस करें बेल आइकन को। नमस्कार, चर्चिकला टाइम टीवी की नॉर्थ अमेरिका के टॉप 10 खबरों में मैं सुनीता आप सभी का स्वागत करती हूं। पेश है आज की टॉप 10 खबरें। हिलेरी क्लिंटन के सबसे छोटे भाई टोनी रोगम का शुक्रवार की रात को निधन हो गया। वे 65 साल के थे। अमेरिका की पूर्व सीनेटर, पूर्व प्रथम महिला और राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार रह चुकी क्लिंटन ने शनिवार को सोशल मीडिया के माध्यम से ये जानकारी साझा की। मौत के कारणों के बारे में अभी जानकारी सामने नहीं आई है। क्लिंटन ने अपने भाई को दयालु और हंसमुख बताते हुए कहा कि उसके ठाकों से सब गूंज उठता था। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि टोनी की मृत्यु कैसे हुई। टोनी के परिवार में पत्नी मेगम और 3 बच्चे हैं। लंदन के ओवल क्रिकेट ग्राउंड में वर्ल्ड कप 2019 के तहत भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में मुकाबला हो रहा था। इस मैच को देखने के लिए भारतीय बैंकों का करोड़ों रुपए का कर्जदार भगोड़ा कारोबारी विजय माल्या भी पहुंचा। लंदन के ओवल क्रिकेट ग्राउंड में हो रहे इस मैच को देखने पहुंचे विजय माल्या ने समाचार एजेंसी ANI को कहा कि मैं यहां मैच देखने आया हूं। बता दें कि भगोड़ा शराब कारोबारी विजय माल्या इस समय लंदन में है और उसको भारत लाने के लिए प्रत्यार्पण की कार्यवाही चल रही है। बैंक के साथ 2,900 करोड़ रुपए की ऋण धोखाधड़ी मामले के माल्या के खिलाफ ईडी और CBI जांच कर रही है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग इस सप्ताह बिश्केक में सिंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे, जहां वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। ये भारत में आम चुनाव में भाजपा की प्रचंड जीत के बाद दोनों नेताओं के बीच में होने वाली पहली बैठक होगी। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लुकांग ने रविवार को ये घोषणा की कि शी 12 से 16 जून तक किर्गिस्तान और कजाकिस्तान की राजकीय यात्रा करेंगे। SCO शिखर सम्मेलन किर्गिस्तान के बिश्केक में 13 से 14 जून को होने वाला है। SCO चीन के नेतृत्व वाला 8 सदस्यों वाला आर्थिक और सुरक्षा ब्लॉक है। इस समूह में भारत और पाकिस्तान को 2017 में शामिल किया गया था। लू ने एक बयान में कहा है कि 12 से लेकर 14 जून तक राष्ट्रपति शी किर्गिस्तान की राजकीय यात्रा पर जाएंगे और SCO शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। तो वही बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने म्यांमार पर अपने वादे से मुकरते हुए करीब 10 लाख रोहिंग्या नागरिकों की स्वदेश वापसी के प्रति अनिच्छा रखने का रविवार को आरोप लगाया। हसीना ने ये आरोप भी लगाया कि कुछ अंतर्राष्ट्रीय सहायता एजेंसियां शरणार्थी संकट को बनाए रखना चाहती हैं। बांग्लादेश के क्लॉथ बाजार जिले में स्थायी शरणार्थी शिविरों में 10 लाख से अधिक रोहिंग्या शरण लिए हुए हैं। ये लोग अगस्त 2017 में म्यांमार में सैन्य कार्यवाही के बाद देश के से पलायन कर गए थे। चीन के नए प्रत्यार्पण कानून के विरोध में हांगकांग में बड़ा शांतिपूर्ण प्रदर्शन सोमवार तड़के पुलिस की कार्यवाही के बाद हिंसात्मक हो गया। आयोजकों ने बताया कि ये हांगकांग में साल 1957 के बाद अब तक का सबसे बड़ा प्रदर्शन था। इसमें 10 लाख से अधिक लोगों ने भाग लिया। इससे पहले साल 1957 में हांगकांग को चीन को सौंपे जाते समय सबसे बड़ा प्रदर्शन किया गया था। आयोजकों ने बताया कि प्रदर्शनकारियों ने सरकार से प्रत्यर्पण कानून की अपनी योजना को वापस लेने की मांग की है। गौरतलब है कि हांगकांग के चीन समर्थक नेता एक विधेयक पर जोर दे रहे हैं जिसमें आरोपियों पर मुकदमा चलाने के लिए उन्हें चीन प्रत्यर्पित किए जाने का प्रावधान है, लेकिन इस प्रस्ताव को लेकर काफी हंगामा मचा और इसके विरोध में शहर के विभिन्न वर्गों के लोग एकजुट हो गए हैं। पूर्वोत्तर चीन के जीलिन प्रांत में भूकंप के कोयले की खदान में हुई दुर्घटना में 9 लोगों की जान चली गई है और अन्य 10 लोग घायल हो गए हैं। समाचार पत्र चाइना डेली की सोमवार को प्रकाशित खबर के अनुसार भूकंप के बाद कोयले की खान में कर्मी फंस गए। खान का प्रबंधन ज्यूतई शहर के जीलिन लोंग आबोवाई मोइंगका के तहत आता है। घायलों को एक स्थानीय हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। पाकिस्तान का एक बार फिर से दोहरा रवैया सामने आया है। पाक के विदेश मंत्री ने भारत पर पाकिस्तान को विभाजित करने का आरोप लगाया है। इससे पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने PM नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर दोनों देशों के बीच में संबंध सुधारने की अपील की थी। इमरान खान ने PM मोदी से साउथ एशिया और पड़ोसी देशों में शांति के लिए मिलकर काम करने की इच्छा जताई थी। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने इमरान खान की चिट्ठी को दरकिनार करते हुए कहा कि भारत पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में
धकेलने का प्रयास कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत हमेशा पाकिस्तान को हानि पहुंचाने का प्रयास करता है। मुल्तान में एक समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि इमरान खान की पार्टी की सरकार जब से सत्ता में आई है कई बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है। उन्होंने कहा कि भारत पाक तनाव के दौरान राष्ट्र ने एकजुटता दिखाई, पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र का उल्लंघन करने के बाद भारत को कड़ी प्रतिक्रिया दी गई। तो वहीं पाकिस्तान की इमरान खान सरकार देश की अर्थव्यवस्था के तकरीबन सभी क्षेत्रों में विकास के लक्ष्यों को पाने में विफल रही है। देश के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार जून में समाप्त हो रहे वित्त वर्ष में पाकिस्तान की आर्थिक वृद्धि दर 3.3% रहने की उम्मीद है, जो कि पूर्व सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य 6.3% का करीब आधा ही है। वित्त वर्ष 2018-19 का आर्थिक सर्वेक्षण 11 जून को आगामी बजट पेश करने के एक दिन पहले आधिकारिक रूप से जारी किया जाएगा, लेकिन इसके कुछ विवरणों को डॉन न्यूज ने प्रकाशित किया। अमेरिका के वाशिंगटन मैन्यूमेंट में 16 जून रविवार को एक नया रिकॉर्ड कायम होगा, जब वहां 2500 से अधिक लोग एकत्रित होकर 5वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाएंगे। वाशिंगटन मैन्यूमेंट में तीसरी बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। ये वाशिंगटन में किसी निशुल्क योग समारोह में भाग लेने वालों की संभवतः सर्वाधिक संख्या होगी। यहां 16 जून को आयोजित होने जा रहे समारोह के लिए 2500 से अधिक लोगों ने पंजीकरण कराया है। लोकसभा चुनाव में लगातार दूसरी जीत के बाद पीएम नरेंद्र मोदी पहली बार विदेश यात्रा के रूप में मालदीव के बाद अब श्रीलंका पहुंचे, तो उस वक्त देखने लायक नजारा उत्पन्न हुआ। राष्ट्रपति आवास में मोदी का स्वागत किया गया। इस दौरान श्रीलंका के राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना भी मौजूद थे। सिरिसेना हाथ में छाता लिए दिखाई दिए। छाते से वे खुद को और प्रधानमंत्री मोदी को बारिश से बचा रहे थे। मोदी ने राष्ट्रपति भवन में अशोक का पौधा भी रोपा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीलंका के राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना के साथ रविवार को 10 दिनों के अंदर दूसरी बार मुलाकात की और दोनों नेता इस बात पर सहमत हुए कि आतंकवाद संयुक्त खतरा है जिस पर संयुक्त कार्यवाही की जरूरत है। श्रीलंका में अप्रैल में ईस्टर पर हुए आतंकवादी हमले के बाद मोदी देश के दौरे पर आए पहले विदेशी नेता हैं। उनका दौरा हमले के बाद श्रीलंका के साथ भारत की एकजुटता को दर्शाता है। तो ये थे आज की टॉप 10 खबरें। आप देखते रहे चढ़ती कला टाइम टीवी।